जब नहीं था साबुन और सर्फ तो जानिए कैसे चमकाए जाते थे राजा रानियों के कपड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कभी आपने सोचा है आज साबुन और पाउडर सब कुछ होने के बाद भी कपड़ों के दाग निकालना कितना मुश्किल है? लेकिन तब जब न साबुन था न सर्फ, तब ये काम कैसे होता होगा? कैसे महंगे और चमकदार वस्त्रों को धुला जाता होगा? कपड़ों से दाग निकालने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल होता होगा, आगे बताते हैं आपको। क्या आप जानते हैं भारत में पहली बार साबुन कब आया? 1897 में। इसे अंग्रेज भारत लेकर आए थे। पहले साबुन ब्रिटेन से आयात होते थे, फिर देश में ही इसकी फैक्ट्री खुल गई। लेकिन साबुन से पहले भारत में कपड़े कैसे धोए जाते थे, आगे जानिए। उस समय कपड़ों को गर्म पानी में डालकर फिर उन्हें कुछ ठंडा करके पत्थरों पर पीटा जाता था, जिससे उनकी गंदगी निकल जाती थी। भारत में आज भी कई धोबी घाट हैं, जहां पारंपरिक तरीके से कपड़े धुले जाते हैं। लेकिन पत्थर पर पीटने का काम महंगे और मुलायम कपड़ों के साथ नहीं होता था, उनके लिए रीठा का इस्तेमाल होता था। पानी में रीठा के फल डालकर उसे गर्म किया जाता था, इससे पानी में झाग पैदा होता था। इसमें कपड़ों को डालकर हाथ या डंडे से उन्हें हिलाया जाता था। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।